Back to my channel. I hope you all are safe and doing well. In today's video, I'm going to organize my makeup with you guys. So basically, मेरे पास जितना भी makeup है ना, सारा आज मैं यहाँ पे लेके बैठी हुई हूँ. And we are going to organize all of my makeup in this chest drawer, जो कि मैंने specially अपना makeup store करने के लिए ही लिया था from Amar Colony Furniture Market. So the thing is, मुझे हमेशा complain रहती थी कि मैं अपना makeup कहाँ store करूँ, because in my house I did not have any space to store my makeup, like a proper space to store my makeup, which is why I got this so that I can organize all of my makeup in this chest drawer. And ये मैंने काफी टाइम से लिया हुआ है, बट अभी तक मैंने अपना मेकअप ऑर्गेनाइज नहीं किया था. एंड द अदर डे आई पोस्टेड अ स्टोरी जिसमें मैंने पोल डाला था इफ यू वांट टू सी अ वीडियो लाइक दिस और नॉट. एंड सो मेनी ऑफ यू गाइस एक्चुअली वांटेड टू सी लाइक अ ऑर्गेनाइजेशन वीडियो, मेकअप ऑर्गेनाइजेशन वीडियो. सो हियर वी आर, वी आर एग्जैक्टली गोना डू दैट इन दिस वीडियो. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई डोंट नो मुझे कितना टाइम लगने वाला है. एंड आई हैव नो क्लू ये वीडियो कितनी लंबी होगी या कितनी छोटी होगी. But yeah, without any further ado, let's just get started with today's video. So the thing is कि मैंने ना काफी टाइम से रैंडम सामान स्टोर किया हुआ था इस चेस्ट ड्रॉर में. सो मैंने आज सारा बैठ के खाली किया ये ड्रॉर एक्सेप्ट फॉर दिस वन. इसमें अभी भी आई हैव मेकअप जो कि मैं पहले बाहर निकालूंगी. एंड देन वी आर गोना स्टार्ट सेग्रीगेटिंग आवर मेकअप, एज इन ये वाले जो बॉक्सेस मैंने मीशो से लिए थे ना, इसमें आई एम गोना सेग्रीगेट माई मेकअप. सो फाउंडेशन एक बॉक्स में रख दूंगी, कॉम्पैक्ट एक बॉक्स में रख दूंगी. सो ऐसे करेंगे अभी हम लोग. एंड यू गाइस कैन सी के ये सारा खाली है अभी, जस्ट वीडियो से पहले खाली किया बिकॉज बहुत अनशन सामान था इसमें. So I have so much makeup guys, मतलब I know normal girls से थोड़ा ज़्यादा है because obviously it's my job, लेकिन जितना वो you know बड़े बड़े beauty bloggers वगैरह के पास होता है उतना भी नहीं है मेरे पास. बट ठीक है, जो भी है I think it's too much for me and I don't know from where do I start. क्या करूँ मैं, सबसे पहले मुझे खुद नहीं पता है बिकॉज मैंने कभी ऐसा बैठ के अपना मेकअप ऑर्गेनाइज नहीं किया है आज से पहले. सो व्हाट आई डिसाइडेड इज कि मैं ऐसे दो बॉक्सेस में ना सबसे पहले अपना लिपस्टिक सेपरेट करूंगी. एज इन एक बॉक्स में आई एम गोना कीप ऑल ऑफ माय लिक्विड लिपस्टिक्स एंड दूसरे बॉक्स में आई एम गोना कीप ऑल ऑफ माय बुलेट लिपस्टिक्स. मैंने अपना बुलेट लिपस्टिक्स एंड लिक्विड लिपस्टिक्स इसमें डिवाइड कर ली हैं एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू सेग्रीगेट ब्लश एंड हाइलाइटर्स. सो आई एम जस्ट गोना टेक टू मोर बॉक्सेस. सो आई सेग्रीगेटेड माई ब्लशेज एंड हाइलाइटर्स. मैंने ये स्मॉल वाले बॉक्सेज इसलिए चूज किए थे बिकॉज आई नो कि मेरे पास ज्यादा ब्लशेज एंड ज्यादा हाइलाइटर्स नहीं है. एंड नाउ आई थिंक आई एम गोना डू आई शेडोज. आई एम टेकिंग दिस बड़ा वाला डब्बा बिकॉज आई हैव थोड़े बहुत यू नो आई शेडो पैलेट्स. आई एम प्रीटी श्योर कि ज्यादा ये मेरे पास इतने नहीं होने चाहिए, बट ठीक है, इट्स फाइन, इट्स माई जॉब एट द एंड ऑफ द डे. सो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट यू नो कलेक्टिंग ऑल माई आई शेडो पैलेट्स इन दिस बॉक्स. एक छोटा वाला डब्बा जिसमें आई एम गोना कीप माय लिक्विड आई शेडोज एज वेल एज पेंसिल आई शेडोज बिकॉज थोड़ा यू नो वो अलग कैटेगरी हो जाती है. सारे जो पाउडर वाले आई शेडोज है वो मैं इस बड़े वाले बॉक्स में रखूंगी. So guys, I'm keeping one more box जिसमें I'm gonna keep my eyeliners, liquid liners और जो मेरा pencil वाले coals है उसके लिए मैं अलग box बनाऊंगी. So I have my liquid eyeshadows and pencil eyeshadows over here. Then here I have the छोटी वाली आई शेडो पैलेट्स. इसमें आई हैव थोड़ी बड़ी वाली आई शेडो पैलेट्स एंड ये तो दोनों कुछ ज्यादा ही बड़ी है. सो इसको आई एम जस्ट गोना कीप एज इट इज इन द ड्रॉर्स. सो ये सारा मेरा हो चुका है आई शेडोज.
and now I'm just gonna start doing the coals and mascaras. And इस box में I'm gonna keep all of my mascaras. वैसे तो मैं segregate करती गई थी साथ साथ जो जो मुझे mascara मेरे हाथ में आ रहा था. So इसमें मैंने mascaras रख दी हैं. और कोई मिलेगा तो वो भी मैं रख दूँगी. और इसमें I'm gonna keep all of my kajals and coals and you know eye pencils and stuff. Lot of primers and concealers, so which is why मैं ये दो छोटे वाले boxes लूंगी. तो ज्यादा ही छोटा है वैसे, but ठीक है, इसमें मेरे concealers fit आ जाने चाहिए. And इसमें I'm gonna keep all my primers. So the thing is कि मैं कोई particular order में ही नहीं कर रही हूँ, like जो makeup product की category मेरे mind में आ रही है बस मैं वही segregate करती जा रही हूँ. Also I'm gonna take this बड़ा वाला box because इसमें मैं अपने foundations भी साथ साथ रखती जाती हूँ. I don't wanna delay things now. So इसमें primer आएगा, इसमें सारे foundations रख दूंगी. I don't have that many foundations though. So yeah, primer, foundation, and I'm gonna keep concealers in this one. सो जितना भी जो पाउडर वाले प्रोडक्ट्स है ना, बी इट बेकिंग पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर, वो सारे पाउडर्स मैं इसमें रखने वाली हूँ. एंड आई एम ऑल्सो लेफ्ट विथ फिक्सिंग स्प्रे, सो वो मैं इस वाले में रख दूंगी क्योंकि मेरे पास दोनों ही बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने सबसे बड़ा वाला बॉक्स नहीं लिया है, ये वाला ही ले रही हूँ मैं. अभी के लिए आई जस्ट हैव लाइक दीज टू आईब्रो प्रोडक्ट्स. आई डू नॉट ओन अ लॉट ऑफ आईब्रो पेंसिल्स एंड स्टफ. जो भी लेती हूँ अपनी मॉम के लिए लेती हूँ, तो वो अभी उनके पास है. मेरे पास अभी सिर्फ ये दोनों ही है. सो आई एम जस्ट गोना कीप दिस इन माई कोल वाली कैटेगरी ओनली, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग लाइक अ सेपरेट बॉक्स फॉर जस्ट टू प्रोडक्ट्स. ऑल्सो आई हैव केप्ट माई फेस पैलेट्स इन दिस छोटू वाला बॉक्स, क्योंकि जो बाकी के जो फेस पैलेट्स है वो आई शेडो के साथ ही अटैच्ड है, वो आई शेडो कैटेगरी में ऑलरेडी जा चुके हैं. तो मैंने इन दोनों के लिए भी एक छोटा बॉक्स बनाई दिया, बिकॉज मैं इन दोनों को भी यू नो मिक्स नहीं करना चाहती आई शेडोज के साथ. एंड also at this bronzer अलग से एकदम different packaging में आई है, तो इसको भी मैं just इसी के साथ रख देती हूँ. This is also a face palette, like my first ever face palette that I bought. So इसको भी I'm just gonna keep in this face palette वाला box. And this is my first ever BB cream that I got when I was in school, I guess. So इसको as a memory संभाल के रखा हुआ है मैंने, तो इसको मैं foundations category में ही रख देती हूँ. So guys, these are all my cute hairbands and scrunchies that I use to film my skincare videos. या जब भी कोई शॉर्ट लेना होता है जिसमें I have to do my skincare या मेकअप करके दिखाती हूँ and stuff. So ये भी मेरे स्टूडियो में ही रहते हैं, इनको मैं अपने घर पे नहीं रखती हूँ. इसको भी I'm just gonna keep it in a separate box. So I have segregated all of my makeup, you guys can see. So basically here I have all the brushes. जो dirty brushes हैं वो मैं घर लेके जाऊँगी वॉश करने के लिए, और क्लीन वाले मैं इन मेकअप ब्रश होल्डर्स में स्टोर करूँगी. These are from Cuffs and Lashes. And यहाँ पे I have just kept my miscellaneous, you know, nail paints and nail paint removers. This is not my nail paint collection. वो मेरे घर पे है, मैं अपने स्टूडियो में नहीं रखती अपनी नेल पेंट कलेक्शन. बट अभी जो पड़े हुए थे स्टूडियो में सिर्फ वो उतना सा ही अभी सामान पड़ा था. इसमें मेरा और फालतू का मिसलेनियस सामान है जो मैं अपने वीडियोज में यूज करती हूँ. आई हैव अ लिप बाम एज वेल. हियर आई हैव द हाइलाइटर्स, द बुलेट लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक्स, ब्लशेज, लिक्विड लाइनर्स, आई शेडोज, ये सारा इसमें लाइक मिक्सड है. एंड देन हियर आई हैव माई फाउंडेशन, कवर पॉट्स हैं सारे कप्स एंड लैशेज के, कंसीलर्स, फेस पैलेट्स, एंड और क्या है इसमें, एक दो ब्रॉन्जर्स भी हैं. एंड देन हियर आई हैव माय, क्या है ये, प्राइमर्स. देन हियर आई हैव माय काजल्स, कोल्स, मस्काराज, एंड देन ये आईलैश कर्लर. इसमें आई हैव ऑल ऑफ माय यू नो लिक्विड आई शेडोज प्लस पेंसिल आई शेडोज. हियर आई हैव माय कॉम्पैक्ट्स. आई जस्ट रियलाइज कि मेरे पास काफ़ी कम फेस पाउडर्स हैं, सो या आई थिंक आई शुड ट्राई सम मोर. एंड हियर आई हैव माय ब्यूटी ब्लेंडर्स अगेन. ये भी काफ़ी डर्टी हैं सारे के सारे, इसको मैं वॉश करने के लिए लेके जाऊँ. बट अभी इस वीडियो के लिए हम जस्ट गोना डिसाइड कि इसको मैं कहां रखने वाली हूं. एंड हियर आई हैव माय, क्या कहते हैं इसको, मेकअप फिक्सर्स. सो या दिस इज व्हाट द यू नो मेकअप लुक्स लाइक आफ्टर आई एम डन सेग्रीगेटिंग. एंड नाउ आई एम गोना प्लेस ऑल दी स्टोरेज बॉक्सेस इनटू माय चेस्ट ड्रॉअर. सो मैंने कुछ लिपस्टिक सिलेक्ट करके यहाँ रख लिया गाइस, एंड ये बाकी की लिपस्टिक्स जाएंगी ड्रॉअर में. मैं वैसे तो ऑन एन एवरीडे बेसिस ना आजकल लिक्विड लिपस्टिक्स लगाती हूँ, बट स्टिल जो जो बुलेट लिपस्टिक्स मैं लगाती थी ना मैंने वो यहाँ रख लिया, एज वेल एज एक दो लिक्विड लिपस्टिक्स भी हैं यहाँ पे जो यहाँ पे अच्छी लग रही हैं, बेसिकली जो फिट हो गई हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है. एंड देन हियर आई हैव थोड़े बहुत ऐसे परफ्यूम्स एंड बॉडी मिस्ट. एंड दिस इज माई कैंडल कलेक्शन. अभी इसमें एक कैंडल और बाकी है जो अंदर पड़ी हुई है, बट या दिस इज
माई कैंडल कलेक्शन, इसको भी मैं यहीं पर रखूंगी. गॉट दिस फ्रॉम मीशो. इसको मैं पहले एज अ स्नैक ट्रे यूज करने वाली थी, बट आई थिंक इट लुक्स गुड एज माई कैंडल ट्रे ऑल्सो. सो या दैट्स दैट. अभी टॉप में उतना सजाने का सोच नहीं रही हूँ, बिकॉज आई स्टिल हैव टू गेट थोड़ी बहुत ऐसी चीजें, लाइक एक्चुअली ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर लेना है मैंने एस्थेटिक सा, तो अभी क्योंकि लॉकडाउन है सो आई कांट यू नो शॉप ऑल दैट. सो इसीलिए अभी टॉप ज्यादा कुछ करने नहीं वाली हूँ. आई जस्ट कीप द बॉक्सेस इन टू दीज ड्रॉर्स. सो दिस ड्रॉर इज गोना बी माई मिसलेनियस ड्रॉर, और इसमें मैं ये दोनों बॉक्सेस रख देती हूँ जो कि मिसलेनियस थे. एंड मैं इतना ज्यादा ओवरलोड नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज स्पेस काफी है एंड मेकअप उस अकॉर्डिंग कम है. सो मैं अभी खुला खुला मेकअप रखूंगी. जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मेरी लाइफ में मेकअप, वैसे वैसे ऑब्वियसली थोड़ी क्लटर होती जाएगी जगह. बट अभी मैं आई एम जस्ट गोना कीप यू नो खुल्लम खुल्ला, ताकि मुझे ढूंढने में भी ईजी रहे. सो आई एम एक्चुअली शिफ्टेड माई बुलेट लिपस्टिक्स टू दिस छोटा वाला बॉक्स, बिकॉज बड़ा वाला जो दोनों बॉक्सेस है वो इसमें फिट नहीं आ रहे थे ड्रॉर में. सो दिस इज ऑल ऑफ माई बुलेट लिपस्टिक्स एंड दीज आर ऑल माई लिक्विड लिपस्टिक्स. सो दिस इज गोना बी माई लिपस्टिक ड्रॉर एंड दिस इज गोना बी माई मिसलेनियस ड्रॉर. सो इन दिस ड्रॉर आई एम गोना कीप ऑल ऑफ माई फेस प्रोडक्ट्स लाइक प्राइमर्स, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट्स, कंसीलर्स, फिक्सर्स एंड एवरीथिंग. सो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट यू नो अरेंजिंग इट इन द सेम वे लाइक हाउ वी डू आर बेस मेकअप. सो प्राइमर्स यहाँ चले जाएंगे, दीज आर ऑल द फाउंडेशंस. यहाँ कंसीलर्स आ जाएंगे, कॉम्पैक्ट पाउडर्स आएंगे सबसे पहले यहाँ पे, एंड देन हियर आई हैव ऑल माई मेकअप फिक्सर्स. और ये जो छोटी वाली फेस पैलेट है ना गाइज, इसको भी मैं यहाँ पे साइड में ही रख दूंगी. आई ऑल्सो फॉरगॉट टू कीप माई ब्यूटी ब्लेंडर्स, सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. ब्यूटी ब्लेंडर्स ऑल्दो भी गंदे हैं, मैं इनको यू नो इस वीडियो फिल्म करने के बाद नीचे ले जाके धोऊंगी, बट ठीक है इसकी जगह यही होने वाली है. आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू गाइज के इनका लाइक स्पेस भी यही है इसी ड्रॉर में. सो दिस इज गोना बी माई आई मेकअप ड्रॉर. सबसे पहले आई एम गोना कीप दिस छोटा वाला लाइक छोटे आई शेडो पैलेट्स वाला स्टोरेज बॉक्स, एंड देन उसके साइड में आई एम गोना कीप द बड़ा वाला एज इन जिसमें बड़ी पैलेट्स हैं. ये जो बड़े वाले आई शेडोज हैं इनको आई एम जस्ट गोना सिंपली कीप यहाँ साइड में, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसको मैं नीचे कहीं रखूँ तो फिर मैं इसको कभी यूज ना कर पाऊँ बिकॉज मैं भूल जाती हूँ. देन ये वाले आई शेडोज भी आई एम जस्ट गोना कीप यहाँ पे साइड में. दीज आर ऑल माई यू नो लिक्विड आई शेडोज है, और जो भी मेरे यू नो आई पेंसिल्स आई शेडो पेंसिल्स वगैरह हैं वो ये हैं. एंड देन दीज आर ऑल माई लिक्विड लाइनर्स, ठीक है, ये हो गए. एंड देन यहाँ पे आई एम जस्ट गोना सिंपली प्लेस माई कोल्स एज वेल एज द लास्ट आई मेकअप का कैटेगरी इज मस्कारा. सो इसको भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ. सो दैट कम्प्लीट्स माई आई ड्रॉर. सो गाइज वी आर जस्ट लेफ्ट विद ब्लशेज एंड हाईलाइटर्स, बट मैं उसको सबसे लास्ट ड्रॉर में नहीं रखना चाहती थी बिकॉज आई एम सेविंग दैट ड्रॉर फॉर माई ज्वेलरी कलेक्शन. लास्ट ड्रॉर में सिर्फ मैं अपनी ज्वेलरी ही स्टोर करके रखना चाहती हूँ, तो मुझे फर्स्ट थ्री ड्रॉर्स में ही अपनी ब्लशेज एंड हाईलाइटर्स की ट्रे एडजस्ट करनी थी एज इन द बॉक्सेज, एंड दीज आर क्वाइट बिग, सो ये इन दोनों में तो नहीं आने वाले हैं. सो अ क्विक चेंज दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो मेरा ये मिसलेनियस ड्रॉर था ना, दिस इज एक्चुअली गोना बी माई ब्लशेज एंड हाईलाइटर्स ड्रॉर. एंड ये जो मेरे नेल पेंट्स वगैरह है ना, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया बिकॉज वी डू हैड थोड़ा सा लाइक स्पेस. एंड ये जो मिसलेनियस सामान है ये मैं लास्ट ड्रॉर में फिर भी रख सकती हूँ बिकॉज आई डोंट यूज इट ऑन एन एवरीडे बेसिस. सो या दिस ड्रॉर इज गोना बी माई ब्लशेज एंड हाईलाइटर्स का ड्रॉर. सो ये है मेरे क्लीन ब्रशेज, ठीक है, इनको मैं नहीं छेड़ने वाली हूँ. इसको मैंने इस येलो वाले होल्डर में रखा है बिकॉज आई थिंक इट लुक्स मच नाइसर ऑन द टॉप. सो ये यहाँ पे रहने वाला है. एंड देन ये सारे मेरे डर्टी ब्रशेज हैं, ये वाले भी मेरे डर्टी ब्रशेज हैं. मेरा ब्रश वॉशिंग सेशन काफी टाइम से पेंडिंग था. दिस इज माय फर्स्ट ड्रॉर. माय सेकंड ड्रॉर आल्सो लुक्स प्रीटी मच नाइस, नॉट ऑल क्लटर्ड. तो यहाँ पे सारा आई का सामान है. एंड देन लास्ट में मिसलेनियस बॉक्स है, यहाँ पे मेरा ज्वेलरी आ जाता है. सो दैट इज प्रीटी मच इट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन वीडियो गाइज. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने अच्छे से अपना मेकअप ऑर्गेनाइज करके रखा है बिकॉज इन रियल लाइफ आई एम क्वाइट मेसी. बट ठीक है, इस वीडियो के बहाने ही सही मैंने अपना सारा मेकअप इस चेस्ट ड्रॉर में ऑर्गेनाइज कर लिया एंड माय मदर विल बी रियली प्राउड ऑफ मी. ट्रस्ट मी इट वाज क्वाइट अ टास्क बट आई एम सो ग्लैड आई डिड इट. सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप. सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. इन केस यू गाइस वुड लाइक टू कनेक्ट विद मी ऑन माय सोशल मीडिया, सो आई वुड श्योरली लीव ऑल द लिंक्स फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज ऑलवेज. एंड प्लीज मेक श्योर यू गो अहेड एंड फॉलो शिकासाज इंस्टाग्राम पेज विच इज माय स्टार्टअप ब्रांड एंड इट वुड जेन्युइनली मीन द वर्ल्ड टू मी इफ यू Just go and shower some love. And yeah, I shall see you next time. Till then, you all, please stay safe, stay positive, and be kind to yourself and others. Bye-bye.